ये रोल में से शीट ऑलरेडी कट किया हुआ है, ठीक है, उसमें से ये इस तरीके से कट कर दिया है यहाँ पे। और कट करोगे? नहीं, एक वो बैक कटिंग करूँगा। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से कट गया है, दिखाना ज़रा, इस तरह से ये कट गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये दूसरा काट रहे हैं। अब जैसे ये रोल है, इस रोल को सीजर से कट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो मशीन के साथ हम देते हैं, उसके अंदर ये इन्होंने प्री डिफाइंड डिज़ाइन करके रखे हुए हैं पहले से। एक डिज़ाइनिंग का अलग से सॉफ्टवेयर भी आता है, वो भी बता देंगे आपको। अभी जैसे ये उन्होंने मॉडल सेलेक्ट किया, मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ से कमांड दे दी और यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। अभी ये कटिंग शुरू हो गई उसकी, आउट चला गया, देखना चल जाएगा। ये देख, ये सर ये कट गया पूरा, ठीक है। ये मैं सॉफ्टवेयर एक बार दोबारा दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं, ये मशीन का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर प्री डिफाइंड है, RDWorks के नाम से है, ठीक है। इसमें डिज़ाइन को पहले से सेलेक्ट करके रखते हैं हम, और इस तरीके के रोल्स होते हैं, इस रोल को सीजर से कट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। दूसरा तरीका ये है कि रोल को ये बैक साइड में फ्लिप होती है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे उन्होंने रखा नहीं है, वो पीछे जो ब्लैक रेड कलर की फ्लिप दिख रही है ना, उसको निकाल देते हैं, इसके पीछे स्टैंड लगा देते हैं, उस स्टैंड पर रोल को सेट कर देते हैं, फिर यहाँ से खींचते रहते हैं और यहाँ पर कट करते रहते हैं, आगे आगे खींचते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक शीट रख के दिखाता हूँ मैं, जैसे ये रोल में से कट किया हुआ शीट है, राइट, वो पीछे स्टैंड लगा दिया, तो यहाँ से वो निकल के आएगा, यहाँ से जैसे यहाँ पे ले लिया इन्होंने, यहाँ पे इसको सेट कर लिया, वहाँ से कटिंग का कमांड दिया, इस तरीके से इस पर कट हो गया, उसके बाद इसको ये आगे खींच लेंगे, फिर आगे कट कर लेंगे, फिर आगे खींच लेंगे, आगे कट कर लेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा ये रोल, पीछे से रोल लगा होता है स्टैंड पे, ठीक है। जैसे ये इस तरीके से पीछे स्टैंड पे लगा देंगे, फिर जैसे ये फ्लिप है ना, ये ऐसा ही फ्लिप है वो बैक साइड वाला, इसको निकाल देते हैं, अभी तो ये यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको, तो इसलिए लगा हुआ है ये फ्लिप, इस तरीके से ये डिज़ाइन कट कर लेते हैं।